खरगोन जिले के गोगांव और कसरावत थाना पुलिस ने अलग अलग कार्यवाही कर अवैध रूप से पिस्टल बेचने की फिराक में निकले दो सिकलीगर युवकों को 6 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। पहले मामले में पिस्टल बेचने की फिराक में खड़े टेमरनी सिगनूर के रास्ते से एक सिकलीगर युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपित के कब्जे से 4 पिस्टल मय मैगजीन बरामद की है। इसके अलावा दूसरे मामले में कसरावत पुलिस ने मुल्ठान से एक आरोपी से 2 पिस्टल बरामद कर उसे गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपित पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। दोनों मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि अवैध हथियारों के निर्माण क्रय विक्रय पर अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। 26 फरवरी को गोगांव पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान घुघरिया खेड़ी फाटा पर टेमरनी सिगनूर वाले रास्ते पर अवैध पिस्टल बेचने की फिराक में खड़े एक सिकलीगर के होने की सूचना मिली थी। तत्काल पुलिस टीम को रवाना किया गया और घेराबंदी कर सिकलीगर विजय पिता तूफान सिंह निवासी सिगनूर को मौके पर पकड़ा। आरोपी विजय के विरुद्ध वर्ष 2021 में अवैध देसी पिस्टल मामले में जमानत लेकर फरार था, जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी का स्थायी वारंट जारी किया गया था। विजय थाना मैनगांव से फरार था, जिसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए इनाम की उद्घोषणा थी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अवैध हथियार निर्माण करके बेचने के लोग हैं, उस पर निगाह रखे हुए। सूचना के आधार पर हमने अलग अलग थानों में 2 कार्रवाई की और एक गोगावा थाने में एक कार्रवाई हुई, दूसरी कार्रवाई कसरावत थाना क्षेत्र में हुई। गोगावा में जिस व्यक्ति को हमने पकड़ा है उसका नाम विजय पिता तूफान सिंह है और वो वर्ष 2021 में ही एक अपराध करके फरार चल रहा था, जिसमें हमने चुनाव के समय एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी थी, उसमें ये फरार चल रहा था। उस पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। इसके पास भी हमें कल जो है 4 अवैध पिस्टल मिले थे और इसी प्रकार थाना कसरावत में भी एक सिकलीगर जो सिग्नल का रहने वाला है भवानी सिंह, ये वर्ष 2019 में एक चोरी के अपराध से फरार था, इस पर भी 5,000 रुपये का इनाम घोषित था। ये जैतापुरा चौकी की ये घटना हुई थी, जब एक तारा चाबी बनाने वाले जो भवानी सिंह है उसको अलमीरा की चाबी गुम जाने पर एक व्यक्ति द्वारा अपने घर पर लाया गया था और जब वो चाबी बना के चला गया तो ये पाया था कि उसकी अलमीरा से कुछ 1,00,000 रुपये और जो जेवरात हैं वो गायब हो गए थे। इस पर से अपराध थाना मैनगांव में पंजीबद्ध हुआ था और वर्ष 2019 से ये फरार चल रहा था। उसके पास से भी 2 कट्टे पुलिस ने जब्त किए। इस प्रकार 2 अलग अलग अपराधों में 6 अवैध पिस्टल पुलिस ने जब्त किया, 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।